विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हमने उनको चिन्हित भी किया है। हमने कहा है हमारी जो योजना 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन योजनाओं को हमने किया है उनका आंकलन भी होना चाहिए, उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए। हमारी कितनी बहनों को उन योजनाओं का फायदा मिला है, कितने भाइयों को हमारा उन योजनाओं का फायदा मिला है। और यही नहीं, हमने कहा है कि एक भी पात्र व्यक्ति उस योजना से रह नहीं जाए, इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए कि उस योजना में जो भी पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ भी मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस योजना का लाभ भी हमें मिला है। हमने देखा है कि जो पात्र व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिला है। और मैं आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम देश के नागरिक हैं, हम प्रदेश के नागरिक हैं, हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि उस योजना का लाभ, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको इसका लाभ होना आवश्यक है, मेरे मोहल्ले में कौन ऐसा रहता है जिसको इस योजना की आवश्यकता है, मेरे गांव में ऐसा माता बहने कौन रहती है, ऐसा कौन सा मेरा भाई रहता है जिसको योजना की आवश्यकता है, उन सभी को उस योजना का लाभ मिले, ये हमें भी सोचना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार पूरी तरह से राजस्थान को एक अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने देखा बच्चियों ने जिस तरह का जिम्नास्टिक के क्षेत्र में काम किया है। हम कहना चाहते हैं, हमारे कल बजट में भी था, हम 2028 का ओलंपिक की तैयारी राजस्थान की धरती पर प्रारंभ करने वाले हैं। एक एक गांव में, एक एक ढाणी में हमारी वो बहन, हमारा वो भाई जिस खेल में जाना चाहता है उसके लिए अवसर भी मिलेगा। एक एक जिले में इस तरह की व्यवस्था होगी कि जो होनहार है, जिसमें प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा और उन प्रतिभाओं को तलाशते हुए आगे ओलंपिक के लिए भी तैयार किया जाएगा, 28 के लिए भी तैयार किया जाएगा, आने वाले 36 के लिए भी तैयार किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रतिभाओं की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान अग्रणी होगा। क्योंकि हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा होगा आपने, कल की राज्यसभा के अंदर भी उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जनवरी को बहुत काम रहते हैं, लेकिन 25 जनवरी को मैं राजस्थान के अंदर था, राजस्थान के उन गलियों में था, फ्रांस के उस राष्ट्रपति को मेरा कितना अच्छा राजस्थान है मैं दिखाने का काम कर रहा था, जिससे राजस्थान मेरा विकसित हो। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं, यह डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार जिस द्रुत गति से काम करेगी वो हम आपको यही बताना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, ये पिछली जो सरकार थी उसने जिस तरह से प्रदेश के हालत किए थे, आज वो कह रहे हैं, कल हमारा बजट था, हमने बजट में कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है, और हमने यह भी वायदा किया है कि जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम पूरा करेंगे। हमने यह भी कहा है कि आपने हमारी बहनों और भाइयों के साथ जिस तरह से कुठाराघात किया था वो कुठाराघात नहीं करेंगे। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था। हमारी जिन बहनों ने, हमारे भाइयों ने जिस तरह की तैयारी की थी उनको मौका नहीं मिल पाया। उनके अंदर जो दर्द है, हमने कहा है
ऐसे नकल जिन्होंने किए उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। और हमने कहा हम एस आई टी गठित करेंगे। विधानसभा में उनके लोगों ने कहा ये एस आई टी से काम नहीं, सीबीआई से काम चलेगा। हमने कहा हम एस आई टी भी गठित करेंगे, आवश्यकता हुई तो सीबीआई भी गठित करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शने का काम हम नहीं करेंगे। मित्र जब भाई मेहनत करके आगे आना चाहता है, पिताजी का सहारा बनना चाहता है, ऐसे भाइयों को जब वो अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, पिताजी कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, उसको कोचिंग कराते हैं, कमरा दिलवाते हैं, मकान दिलाने का काम करते हैं, और जब वो पढ़ाई करता है, मन से पढ़ाई करता है, उसका जज्बा ये होता है कि मैं पास होकर के बताऊंगा, लेकिन जब पेपर देता है तो उसके अरमा आंसुओं में बह जाते हैं, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि मैंने तो पेपर में मेहनत की थी, मेरा नंबर तो आया नहीं। उन संस्थानों के लोग जिन्होंने इसको एक धंधा बना रखा है, ऐसे लोगों ने काम करने करके उनके आंसुओं को किस तरह से रुलाने का काम किया है, आंसू निकालने का काम किया, वो आपके सामने है। लेकिन हमने भी वादा किया है कि किसी भी स्थिति में उनको छोड़ने वाले नहीं है, उनको पूरी तरह से मिलेगी, सजा मिलेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों में निवेदन करना चाहता हूं, हमने कहा कि किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे, उन्होंने भी कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 5 साल हो गए आपके यहां और नागौर में अगर हो गया, क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री जी का नजदीक है, शायद नागौर वालों का हो गया होगा, आपका कर्जा माफ हुआ था क्या पिछले 5 साल में? किसान भाई बैठे हुआ था क्या? अरे आप तो पड़ोसी हैं, मुझे लगता है कि पड़ोसी के नाते आपका कर्जा माफ कर दिया हो तो हम तो दूर वाले हैं, हम तो उत्तर प्रदेश से सोने में रहते हैं, लेकिन आप तो नजदीक रहते हैं जोधपुर के, तो आपका कर्जा माफ किया है क्या? तो बताइए, हमने आपसे वादा किया था ये मान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में आपको 6,000 रुपए वार्षिक सम्मान निधि मिलती थी, हमने चरणबद्ध तरीके 2,000 बढ़ाने का काम किया है, किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके बीच में वादा किया। हमने कहा था कि गेहूं पर हम बोनस देने का काम करेंगे, हमने पहले नहीं, क्योंकि हमें पता है ये मार्च का बजट है और मार्च के बाद किसान की फसल आने वाली है, दूसरी सरकार होती तो पहले उसके बाद बढ़ाएंगे। हमने कहा नहीं, किसान की फसल